मेरा कहना है, बोलने दीजिए मेरे को एक मिनट। सीधे आपको लिए चलेंगे लोकसभा। मैं इतना ही कह रहा हूँ आपके माध्यम से अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इतना ही कह रहा हूँ कि वो जो बोल रहे हैं वो ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, वो झूठा आरोप लगा रहे हैं, एकदम झूठा आरोप लगा रहे हैं। देखिए स्पीकर साहब, स्पीकर साहब, मसूदी जी को सब कुछ बोलने का अधिकार है, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो बोल सकते अपनी बात रख सकते हैं। अगर वो कहते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 370 लाया तो वो रेफरेंस दे, कहां से वो ड्रॉ कर रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा। इस तरह से बेबुनियाद बातें यहां नहीं हो सकती। स्पीकर साहब, अगर अगर उन्होंने अगर आप क्या वो कैबिनेट में शामिल नहीं थे, क्या वो क्या स्पीकर साहब क्या 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 उन्होंने क्या 370 सर्वसहमति से नहीं हुआ? माननीय सदस्य प्लीज, माननीय गृह मंत्री जी ने बोल दिया, आप बैठिए। देखिए स्पीकर साहब, हाँ बोलिए। देखिए जनाब, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट में मिलेगा वोट किसी ने खराब किया सदस्य, या एक मिनट माननीय सदस्य, एक मिनट मैं आपको, एक मिनट माननीय सदस्य, माननीय सदस्य प्लीज, ये सदन है, आपको बोलने का पूरा अधिकार है, लेकिन इस संसद से जो बात हम कह रहे हैं पूरा देश सुन रहा है, बोलते समय किस रेफरेंस में किसी पर आरोप प्रत्यारोप जब तक नहीं हो, फिर नियम कानून की किताब से चलेंगे तो सदन चलेगा नहीं, तो तथ्यों के आधार पर हो, कोई रेफरेंस हो, कोई बात हो, इस सदन को ऐसा नहीं बोले कि अपन कोई तर्क नहीं, कोई तथ्य नहीं, कोई संदर्भ नहीं और अपन किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाएं, इसके लिए सदन का उपयोग नहीं होना चाहिए। मैं कार्रवाई से निकालूं लेकिन सदन बोलकर जनता के बीच में चल जाए। वक्त यहां छोटे से ब्रेक का हो चला है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।